नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। अगर आप पीछे का बैनर देख रहे हो तो आपको पता लग ही गया होगा, द मैन ऑफ द मासेस लेट पंडित मंगत राम शर्मा जी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे रियासत जम्मू कश्मीर के, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे, आज उनकी जो 89th बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जा रही है। और वहीं उनके परिवार के सदस्य, उनके सुपुत्र रजनीश शर्मा जी हमेशा जुड़ रखे हैं, उनके और भी साथी जुड़ रखे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या यादगार है उनकी, किस तरीके के व्यक्तित्व था, इन सब चीज़ों में बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। शुक्रिया भाई साहब, और हमारे भी शुभकामनाएं जम्मू ग्रेटर को। आज स्वर्गीय पंडित मंगत राम शर्मा जी, जो जम्मू कश्मीर के नेता थे और पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, डिफरेंट पोजीशन पे काम किया, और जो सियासत उन्होंने शुरू करी एक गांव से शुरू करी, गांव लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और फिर नेशनल लेवल पे। तो इस 65-70 साल की सियासी कैरियर में MLC रहे, MLA रहे, मंत्री रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, 20-25 साल अकेले पार्टी को चलाया, तब अकेला ही जनरल सेक्रेटरी होता था, और फिर स्पीकर बने, मिनिस्टर बने, डिप्टी CM बने, और ख़ासकर ये जम्मू वेस्ट के लोगों से उनका खास प्यार था, और लोगों की सेवा में ही वो अपना विश्वास रखते थे। और ये कहा जाता है कि भाई पंडित जी को मिलने के लिए किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं थी, वो 24 घंटे लोगों को अवेलेबल थे बिना किसी सिफारिश के। कोई भी आदमी जब आ जाता था, चाहे वो पहली बार मिल रहा था, लेकिन 5 मिनट मिलने के बाद उस आदमी को ये फील होता था कि भाई सबसे क्लोज और ख़ास आदमी पंडित जी का मैं हूँ, ये धारणा लेके वो जाता था। और 24 घंटे दरवाजे खुले थे उनके, और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए, उनको आराम देने के लिए 24 घंटे वो काम करते थे। चाहे किसी की चिट्ठी चाहिए, किसी को DO लेटर चाहिए, किसी को फ़ोन करना है, या पर्सनली किसी ऑफिस में जाना है, इस चीज़ों से वो हिचकिचाते नहीं थे, और लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। और पर्टिकुलर जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तब उन्होंने हिस्टोरिक डिसीजन लिए, जब मुफ्ती साहब एक बार बीच में लंदन गए और वो चार्ज चीफ मिनिस्ट्री का उनके पास आ गया। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जम्मू कश्मीर में जम्मू की तरफ से अगर कोई चीफ मिनिस्टर आया, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, तो वो पंडित मंगत राम शर्मा रहे। मेरा ये मानना है कि उस समय जब कांग्रेस की हुकूमत थी, उस समय अगर शायद CM से ज़्यादा काम अगर किसी ने किए लोगों के भलाई के लिए, तो पंडित मंगत राम जी ने किए। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग जो उन्होंने एज ए CM करी जम्मू के लिए, उन्होंने कम से कम 6 या 8 HOD अलग कर दिए, जिसमें फ्लोरिकल्चर था, डायरेक्टर एग्रीकल्चर था, डायरेक्टर हेल्थ था, इंडस्ट्री था, मतलब इस तरह के, ताकि जम्मू के लोगों को वहाँ श्रीनगर जाके खज्जल ना होना पड़े, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ रहे, जम्मू के फंड्स यहीं पे आएँ। तो इस तरह की उनकी सोच थी, और हमेशा लोगों की सेवा करते थे, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर काम करते थे, चाहे किसी भी पार्टी का आ जाए। कांग्रेस पार्टी के लोगों की तो वो सेवा करते ही करते थे, लेकिन अगर कोई BJP का है, RSS का है, NC का है, किसी पार्टी का है, किसी भी मजहब का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का है, श्रीनगर का है, लेह का है, 24 घंटे उनके दरवाजे खुले रहते थे। और मेरा ये मानना है कि शायद जब वो श्रीनगर जाते थे, इतने लोग कश्मीरी मिनिस्टरों के पास नहीं जाते थे जितने कश्मीरी लोग उनके पास आते थे, क्योंकि वो खुले दिल से काम करते थे और हमेशा अवेलेबल रहते थे। यही उनकी खासियत थी कि भाई पोजीशन पे होने के बावजूद भी एक सादी ज़िंदगी वो अपनाते थे और लोगों की अपने मन से सेवा करते थे। थैंक यू। वही उनके साथी भी और हमारे साथ जुड़ रखे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा पंडित जी को। हमारे जो हमने जब सियासी करियर अपना स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू करी, तो ये उस टाइम सबसे सीनियर थे, और हमने जो ठहराव और जो पेशेंस लेवल इनमें देखा वो किसी में नहीं। इतने अप्रोचेबल लीडर, इतने डाउन टू अर्थ और हम्बल लीडर वो रहे, हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत थे। तो हम चाहते हैं कि उनके कदमों पर चल के हमारी सच्ची श्रद्धांजलि पार्टी की होगी कि उनके परिवार को जो मान सम्मान इज्जत जो मिलनी चाहिए उसे बरकरार रखेंगे, इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं होगी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया पंडित जी ने जम्मू, खासकर जम्मू वेस्ट के लिए। जम्मू वेस्ट के तो हर घर में उनकी जान पहचान थी, स्टेट में तो थी ही, लेकिन लोअर लेवल पे एक छोटे ब्लॉक में हर घर में, हर कुचे में वो जाते थे, इसलिए हम उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए। जी सर, मैं राजेश पुड़गोत्रा पैंथर्स पार्टी से। आज स्वर्गीय श्री पंडित मंगत राम शर्मा जी, जो कांग्रेस के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर में रह चुके थे,
उनका आज 89th जो है वो बर्थ एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है, तो हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पंडित मंगतराम शर्मा जी जो जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही एक ऐसे कदवार नेता थे जिन्होंने किसी भी जात और मज़हब को नकारते हुए सभी लोगों को जो है वो एक नज़र से देखा, और उन्होंने अपने ओहदों पे रहते हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, चाहे वो मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कभी भी जात बरादरी को नहीं देखा। और किसी भी पार्टी का लीडर जहाँ कोई आदमी उनके पास गया, उन्होंने उनके काम किए, और आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके जो नक्शे कदम हैं उनके ऊपर चलें। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज उनका यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट करने के लिए जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और ये हर साल होनी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत ही देर के बाद जो है वो देर आए दुरुस्त आए। जिन्होंने भी इसको ये जो कमेटी है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, हम उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि ये किसी भी जो है वो एक पार्टी का नहीं है, ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो ईसाई थे, चाहे वो हरिजन थे, जिन्होंने एक नज़र से उनको देखा, और हम उनको जो है वो आज के दिन उनको याद करके उनको मुबारकबाद भेजना चाहते हैं। जहाँ भी वो हैं, स्वर्ग में हैं, तो हम उनको जो है वो याद कर रहे हैं। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंडित मंगतराम शर्मा के आज 89th बर्थ एनिवर्सरी पे लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। जब हम उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जो उनके चाहने वाले थे, तो उनका एक ही कहना था कि अगर ग्राउंड से, अगर लोगों से कोई कनेक्टेड लीडर रहा है जम्मू कश्मीर में, तो वो पंडित मंगतराम शर्मा थे। शायद यही कारण है कि आज इतनी भारी संख्या में लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे हैं। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल, कैमरामैन अरुण के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।